हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे चैनल पे। मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल प्ले स्टोर में लॉगिन कैसे करेंगे, प्ले स्टोर में आप साइन इन कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर जो कि गूगल का एक प्रोडक्ट है, गूगल का एक ऐप है, प्ले स्टोर गूगल का एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर से ही आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं अपने फ़ोन में। प्ले स्टोर से ही आप जो है किसी भी तरह का एप्लीकेशन को, किसी भी तरह का ऐप को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई ऐप बनाते भी हैं, अगर आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट भी करते हैं, तो जाके आपको प्ले स्टोर में ही पब्लिश करना होता है किसी भी एप्लीकेशन को। जब आप प्ले स्टोर में पब्लिश करते हैं तब ही जाके आपका वो ऐप किसी भी इंसान को मिलता है और कोई भी बंदा आपके एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है। तो फ्रेंड्स, क्या करना है आपको, मैं बताऊंगा आज के वीडियो में प्ले स्टोर में आप साइन इन कैसे करेंगे। ये देखिए प्ले स्टोर है, ये प्ले स्टोर को क्या कर लेंगे, आप ओपन कर लेंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन लेंगे। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, जो ही आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके सामने ये वाला पेज, ये वाला विंडो आपके सामने शो होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्ले स्टोर गूगल का एप्लीकेशन है, गूगल का प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने शो हो रहा है गूगल साइन इन। यानी कि आप अगर प्ले स्टोर से साइन इन करेंगे तो आपके फ़ोन में अगर गूगल है या गूगल का किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट है, गूगल का कोई भी ऐप है, तो आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी उसी ईमेल आईडी से, उसी गूगल अकाउंट से साइन इन हो जाएंगे। तो साइन इन करने के लिए, लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, यहाँ पे आपको इंटर करना है ईमेल आईडी। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फ्रेंड्स टाइप कर दे रहा हूँ, मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया, टाइप कर दिया। अगर आप न्यू गूगल अकाउंट या फिर नया जीमेल आईडी या ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है एक न्यू ईमेल आईडी, एक नया जीमेल आईडी, एक न्यू गूगल अकाउंट बना सकते हैं। मैं आपको साइन इन करके दिखाऊंगा, लॉग इन करके दिखाऊंगा। तो मैंने क्या करा, लॉग इन करने के लिए, साइन इन करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर कर दिया, टाइप कर दिया। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है ना, ये नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे तो आपके ईमेल आईडी का या आपके गूगल अकाउंट का, आपके जीमेल आईडी का जो भी पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको इस वाले बॉक्स में, इस वाले पेज में यहाँ पे इंटर कर देना है, टाइप कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया है। अगर आप अपने गूगल अकाउंट का, ईमेल आईडी का, आप अपने जीमेल आईडी का अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है फॉरगोट पासवर्ड। आप फॉरगोट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट का, आप अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, एक न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। तो मैंने अपना पासवर्ड, अपना गूगल अकाउंट का पासवर्ड यहाँ पे क्या कर दिया, टाइप कर दिया। आप अपने ईमेल आईडी, गूगल अकाउंट, जीमेल आईडी का पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, नीचे देखिए आप नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप करेंगे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला टू स्टेप वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो चुका है। अगर आप अपने जीमेल आईडी, गूगल अकाउंट का आप अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करके रखे होंगे, एनेबल किए होंगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट करके रखे होंगे, तो फ्रेंड्स जिस जीमेल आईडी, जिस गूगल अकाउंट का आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट करके रखे होंगे, आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करके रखे होंगे, ऑन करके रखे होंगे, तो आप जब भी उस गूगल अकाउंट से, उस जीमेल आईडी से किसी भी डिवाइस में, किसी भी फ़ोन में, किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में आप जब साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके फ़ोन नंबर पे, जिस फ़ोन नंबर से आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल किए हैं, उस नंबर पे एक मैसेज आएगा, एक इन्फॉर्मेशन आएगा, एक क्या आएगा, एक नोटिफिकेशन आएगा। आपको वहाँ पर करना क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए चेक योर फ़ोन, यहाँ पर लिखा क्या, गूगल सेंट नोटिफिकेशन, गूगल सेंट अ नोटिफिकेशन टू योर टेक्नो कैमन आई स्काई टू एंड्रॉयड एंड थ्री मोर टैप एस वन द नोटिफिकेशन टू वेरीफाई इट्स यू। फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि आप, ये मेरा टेक्नो कैमन फोन है और इसमें जो है एक मैसेज जो आया, नोटिफिकेशन जो आया वहाँ, उसमें क्या बोल रहा है कि आपको यस के ऊपर टैप करना है। क्या करना है, यस के ऊपर टैप करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल पे वो नोटिफिकेशन अभी तक पहुंचा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रीसेंड इट के ऊपर प्रेस करूंगा। यहाँ पे रीसेंड इट का ऑप्शन है, इसके ऊपर
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या करा, रिसेंट ईट करके देख लिया लेकिन हो नहीं रहा, तो यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और है, ट्राई अनदर वे, यहाँ पे लिखा है ना ट्राई अनदर वे। मैं क्या करूँगा, ट्राई अनदर वे के ऊपर क्लिक करूँगा। ट्राई अनदर वे के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है टू स्टेप वेरिफिकेशन। टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आप साइन इन किए हैं तो उसको प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पे देखिए गेट अ वेरिफिकेशन कोड, यहाँ पे लिखा है ना गेट अ वेरिफिकेशन कोड। यहाँ ये वाला प्रोसेस जब तक आप नहीं किया करेंगे, या कोई भी इंसान अगर आपका इस ईमेल आईडी से या आपका इस गूगल अकाउंट को किसी भी डिवाइस में साइन इन करता है, लॉगिन करता है, और आप उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन को कंप्लीट करके रखे होंगे, टू स्टेप वेरिफिकेशन को एनेबल करके रखे होंगे, तो जब तक आपके पास वो मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल नंबर पर आएगा या आपके मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, जब तक आप उसको देंगे नहीं, जब तक कि आप जो है एस के ऊपर टैप ना करेंगे, तब तक कोई भी इंसान आपके उस गूगल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता है, आपका उस गूगल अकाउंट को जो है अपने फोन में अपने डिवाइस में अपने मर्जी से साइन इन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, गेट अ वेरिफिकेशन कोड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो गेट अ वेरिफिकेशन कोड के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। अब यहां पे आप देख सकते हैं, उसके बाद जो कोड मेरे मोबाइल नंबर पे गया वो कोड यहाँ पे क्या करना है, मुझे इंटर करना है जिस नंबर से मैं वेरीफाई, देखिए ऑटोमेटिकली आ गया, ऑटोमेटिकली जो है उस ओटीपी को डिटेक्ट कर लिया, वेरीफाई भी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए वेलकम, यहाँ पे गूगल का क्या कर रहा है, गूगल वेलकम कर रहा है। यहाँ पे गूगल का कुछ टर्म्स ऑफ सर्विसेज है, टर्म्स प्राइवेसी पॉलिसी है, आपको क्या करना है आई एग्री के ऊपर क्लिक कर देना है। आई एग्री के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, मैंने क्या करा आई एग्री के ऊपर प्रेस कर दिया। कहते हैं ये देखिए गूगल सर्विसेज है, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना, ये देख रहे हैं ना एक्सेप्ट के ऊपर आप क्या करेंगे प्रेस कर देंगे। तो मैंने क्या करा एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। एक्सेप्ट के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर में साइन इन हो जाएंगे, आप लॉग इन हो जाएंगे। जब आप लॉग इन हो जाएंगे, जब आप साइन इन कर लेंगे प्ले स्टोर में, तो आप कोई भी ऐप को या किसी भी तरह का गेमिंग ऐप हो या लोगोज हो, क्रिएटर ऐप हो, किसी भी तरह का एप्लीकेशन को आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर के थ्रू। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।